कुंवर प्रताप, मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह के आदेश से हम मेवाड़ के स्वामी भक्त सैनिक धमन सिंह की हत्या और कुंवर जगमाल पर गोली चलाने के आरोप में आपको इसी क्षण बंदी बनाते हैं। हम जानते हैं कुंवर प्रताप की ये सब किसने किया। बस अगर मेवाड़ नरेश का आदेश हमें बंदी बनाना ही है तो रावचे उनके आदेशों का पालन शीघ्र ही किया जाए। कुंवर प्रताप, आप इसी क्षण अपने ही अस्त्र इन सैनिकों को सौंप दें। हम आशा करते हैं कि
कि इस बार आप चुप नहीं रहेंगे, है ना? हमें पूरा विश्वास है कि हम आपको फिर से उसी राजसी कीर्ति और सम्मान से ओतप्रोत मेवाड़ के कुंवर प्रताप के रूप में देखेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि अपराधी को दंड मिलेगा और आप निष्कलंक सिद्ध होंगे। हमें आवश्यकता से अधिक आशा कभी नहीं करनी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप? जो अपराध आपने किया ही ना हो, आपको उसके लिए दंड दिया जाए? आप क्यों नहीं सच कह देते? अजबते, कभी कभी कुछ बातें सच से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। क्या मतलब? वचन देते हैं आपको रानी मां कि हम भाई जगमाल की रक्षा करेंगे अंतिम सांस तक, जैसे एक राजपूत का दिया हुआ वचन। क्षमा चाहते हैं, समय हो गया है चलने का। बहुत प्रतीक्षा की हमने क्षण की, इसलिए तो योजना किसकी थी? हमारी। सही कहा आपने कुंवर जगमाल, हमारे पुत्र ने जो पीड़ा सही है उसका अच्छे से प्रतिसाद दे रहे हैं। जाइए जाइए, आरती उतारिए, आपका पुत्र घर आया है। अरे चाहिए चाहिए, आरती उतारी ना। दासी दासी, हमारे आरती का थाल कहाँ है? आरती का थाल कहाँ है? यह है आरती का थाल, ना इसमें हमारा कुमकुम है, ना हमारा कपूर और ना दिया। जाइए शीघ्रता से लेकर आइए। किसकी आरती की तैयारियां कर रही हैं आप धीरभाई जी? कैसी बातें कर रहे हैं आप राणा जी? कुंवर प्रताप की आरती और किसकी? कोई आवश्यकता नहीं है कुंवर प्रताप की आरती उतारने की, जाइए यहां से। हाँ, आपको नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं राणा जी। हमने सदैव कुंवर प्रताप की आरती उतारी है ना, तो आज भी उतारेंगे। लाइए सब कुछ। होश में आइए धीरभाई जी, आप अपने आपे में नहीं हैं। हम जानते हैं कि आपको तीव्र मानसिक आघात पहुंचा है, अपने आप को संभालने की चेष्टा कीजिए, जाइए अपने कक्ष में विश्राम कीजिए। आप नहीं जानते कि आप क्या कह रहे हैं राणा जी। इतने दिनों से हमने उनकी नजर नहीं उतारी और अब आप कह रहे हैं कि हम उनकी आरती भी ना उतारें? ऐसा नहीं हो सकता है। लाइए हमारे फूल, कपूर कहाँ है, कुमकुम की दी। होश में आइए धीरभाई जी और ध्यान से सुनिए हम क्या कह रहे हैं। कुंवर प्रताप की आरती नहीं उतारी जाएगी, समझिए आप, क्योंकि कुंवर प्रताप एक अपराधी है और अपराधियों की आरती उतारने की परंपरा नहीं है हमारे मेवाड़ में, समझिए आप, इसलिए जाइए यहां से। हम बस आपसे इतनी विनती करना चाहते हैं कि हमारे कुंवर प्रताप को बचा लीजिए, उन्हें कोई दंड मत दीजिए।
कुंवर प्रताप को बचा लीजिए राणा जी, हमारे कुंवर प्रताप को बचा। वीर भाई जी संभालिए अपने आप को। वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है, जो भी निर्णय होगा सरकार में होगा। कुंवर प्रताप, प्रताप सिंह को दरबार में उपस्थित किया जाए। बाबूजी आज कोई अपराध नहीं कर सकते। बाबूजी आज कभी किसी का अपराध नहीं कर सकते। 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 प्रताप हमारे बोलने पर ही महल से बाहर आए और उन्होंने हमारी गायों की रक्षा की है, वो भी एक महादुष्ट पापी से। ऐसा पुण्य करने वाला कोई भी गलत काम कैसे कर सकता है। हमारे कुंवर प्रताप को छोड़ दीजिए महाराज। कुंवर प्रताप की जय। 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 शांत हो जाइए। कुंवर प्रताप की जय। कुंवर प्रताप की जय। शांत हो जाइए आप सब। मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह जी सदैव अपनी प्रजा की भावनाओं का सम्मान करते आए और आप सबके विशेष अनुरोध पर ही आज राणा उदय सिंह जी ने आप सबको दरबार में ये अति महत्वपूर्ण न्याय प्रक्रिया देखने के लिए अनुमति दी है। किंतु यदि आप सब इसी प्रकार इस न्याय प्रक्रिया में व्यवधान डालते रहेंगे तो हमें विवश होकर इस न्याय प्रक्रिया को खुले में करने के बजाय बंद दरबार में करना होगा। अब निर्णय आप सबका। आपको महल में बंदी बने रहने का आदेश दिया था हमने, फिर आपने हमारे आदेश का उल्लंघन कर इस महल से बाहर जाने का दुस्साहस कैसे किया। उत्तर दीजिए इसका। मेवाड़ नरेश, हमारे राज्य की गायों की उत्पीड़न के विषय से आप भली भांति परिचित हैं, इसलिए जब आपकी अनुपस्थिति ब्राह्मण देव उन्हें बचाने की याचना लेकर आए, हमें विवश होकर जाना ही पड़ा। आप किसी और को भी भेज सकते थे प्रताप सिंह, आप ही क्यों? गायों की रक्षा करना हमारा धर्म है, इसलिए हमने सोचा कि यदि आप हमारी जगह होते तो आप क्या करते। तो हमारी अंतरात्मा ने कहा कि आप भी बिना एक क्षण गवाए
उन्हें बचाने के लिए निकलने का नहीं। बस हमने भी ठीक वही किया। प्रताप सिंह, आप जानते हैं आप पर क्या क्या आरोप लगे हैं? आप पर धमन सिंह की हत्या, मेवाड़ की महारानी और मेवाड़ के राजकुमार कुंवर जगमाल की हत्या के प्रयास का आरोप लगा। बाबूजी राज कोई अपराध नहीं कर सकते। बाबूजी राज कभी किसी का नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। कभी किसी का नहीं कर सकते। न्याय प्रक्रिया आरंभ की जाए। कुंवर जगमाल को दरबार में उपस्थित किया जाए। जगमाल, क्या देखा आप? कुंवर जगमाल, आपको मेवाड़ नरेश का आश्वासन, कुछ नहीं होगा आपको। आपको यहां किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डर होकर बोलिए, सबके सामने बोली, क्या देखा था आप? जब हम चित्तौड़ के बाहर निकले तब दादा भाई ने हमसे कहा कि भले उनका पहला प्रयास असफल हो गया, परंतु अब वो हमें नहीं छोड़ेंगे। हम बहुत भयभीत हो गए थे। हमें लगा कि दादा भाई ऐसे ही कह रहे हैं। हमने अपने आप को समझाया, किंतु हमने देखा कि दादा भाई के पास उनकी तलवार के साथ साथ एक बंदूक भी है। परंतु जिस दिन जहीर चक्कर से दादा भाई लगभग हार ही गए थे, उस दिन दादा भाई बहुत शोक में थे और उन्होंने अपना सारा क्रोध हम पे निकाल दिया। हम इतने भयभीत हो गए थे कि हमने अवसर मिलते ही दादा भाई की वो बंदूक ढूंढी और उसे छुपाने के लिए जंगल भाग गए, जहां हमें धमन सिंह जी मिले। उन्हें शायद शंका हो गई थी कि हमारे प्राण संकट में। इस बात से इतना क्रोधित हुए कि हमारे हाथ से बंदूक लेके वो दादा भाई को मारने के लिए निकल पड़े। हमने पूरा प्रयास किया उनको रोकने का और इसी दादा भाई में एक गोली हवा में चल गई। तभी दादा भाई वहां पे आए और जैसे तैसे दादा भाई ने अमन सिंह से बंदूक छीनी और गोली मार के उनकी हत्या कर दी और हम पे भी गोली चला दी। कुंवर जगमाल बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं प्रताप सिंह पर। आरोप कैसा दाजीराज? हमारे साथ जो है वो ही कह रहे हैं हम आपसे। ठीक, आप कुछ कहना चाहेंगे प्रताप सिंह?
आप जानते हैं प्रताप सिंह, यदि ये आरोप सत्य सिद्ध हुए तो इसका एक ही दंड है, मृत्युदंड।